भाई फगू मल बिहार विच पैंदे ससराम दा रहण वाला सी ते ओ गुरु घर दा बहुत वड्डा श्रद्धालु सिख सी। सारे पिंड दे लोग उसनू प्यार नाल चाचा फगू कह के बुलाउंदे सन। भाई फगू अपने आले दुआले हर थां जा के गुरबाणी दा प्रचार करदा सी ते इस दे नाल ही ओ सिखां नू दसवंद कढ़न दी बेनती करदा सी ते सिखां द्वारा दान कीते दसवंद नू इकट्ठा करके गुरु घर लई भेज दिंदा सी। भाई फगू दे मन विच एक बहुत वड्डी इच्छा सी कि नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी एक वार मेरे घर आउण। ते इसे इच्छा दे करके उसने अपने घर का दरवाजा बहुत वड्डा बनवाया होया सी ताकि गुरु साहिब घोड़े उत्ते बैठे हुए ही घर के अंदर आ जाण। ओ अपने घर का दरवाजा सदा लई ही खुला रखदा सी ताकि गुरु साहिब जी नू बाहर रुकना ना पवे। पिंड वालियां ने अक्सर ही कहना कि गुरु साहिब जी इन्नी दूरों पंजाब तो साढ़े पिंड कदी भी नहीं आउणगे, पर भाई फगू नू अपने गुरु ते अटुट विश्वास सी कि ओ एक ना एक दिन मेरे इस घर विच जरूर आउणगे। भाई फगू गुरु जी दे दर्शना लई बहुत बेताब सी ते इस वार उसने इकट्ठा कीता होया दसवंद गुरु घर देण दी बजाए अपने पास ही रख लिया ते मन विच अरदास कीती कि हे सच्चे पातशाह अज तो बाद मैं जिन्ना भी दसवंद इकट्ठा करांगा ओ अपने पास ही रख्या करांगा ते सिर्फ आप जी नूं ही भेट करांगा। मैनू पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन तुसी अपने पवित्र चरण मेरे घर जरूर पावोगे। भाई फगू करीब 6 महीने तक दसवंद अपने पास ही इकट्ठा करता रहा ते आखिरकार ओ कर्मा वाला दिन आ ही गया कि गुरु साहिब जी पंजाब तो सफर करदे करदे ससराम विखे आण पहुंचे ते घोड़े उत्ते बैठे हुए ही चाचा फगू दे घर लंघ आए। तां गुरु जी दे दर्शन पा के चाचा फगू बहुत खुश होया ते सब तो पहला गुरु जी दे चरणा नू मत्था टेकिया। जदों संगत नू पता लगा कि गुरु साहिब जी चाचा फगू दे घर पहुंच चुके हन तां संगत भी गुरु साहिब जी दे दर्शना लई चाचा फगू दे घर पहुंच गई। संगत दा इकट्ठा कीता सारा दसवंद भाई फगू ने गुरु साहिब जी नू भेटा कर दिता। ता गुरु साहिब जी मुस्कुरा के कहण लगे कि भाई तू सानू पूरा दसवंद नहीं भेटा कीता, हाले भी कुछ बचिया है जेड़ा तू अपने पास ही रखी बैठा है। ता गुरु साहिब जी दे मुहों ए शब्द सुन के भाई फगू हैरान हो गया ते आखण लगा कि गुरु जी मेरे पास जिन्ना भी दसवंद सी ओ मैं सारा आप जी नू भेट कर दिता है, संगत दा मेरे पास हुण कुछ भी नहीं बचिया है। ता गुरु साहिब जी ने दूजी वार फिर तो कहा कि भाई हाले भी पूरा दसवंद साडे कोल नहीं आया है। ता इस वार चाचा फगू कहण लगा कि महाराज जी किरपा करके तुसी आप ही दसो कि मैं की भुल गया हाँ। ता गुरु साहिब जी फरमाए कि बाहर जो बेरी लगी हुई है ओ भी साड़ी है। ता गुरु जी दे मुहों ए शब्द सुन के चाचा फगू दियां अखां विच
बैराग हंजू आ गए ते ओ गुरु साहिब जी दे पैरां विच डिग पिया। तां गुरु साहिब जी ने भाई फग्गू नूं उपर उठाया ते कहा कि भाई हुण आप ही संगत नूं इस बेरी बारे दस। तां चाचा फग्गू जी ने दसिया कि एक दिन मैं दसवंध लैण लई किसी दे घर गया सी ते उस घर विच बहुत गरीब परिवार रहिंदा सी। उस वेले घर विच सिर्फ एक औरत सी ते बाकी परिवार बाहर गया होया सी। तां जदों मैं उस औरत तो दसवंध मंगिया तां उस भैण ने कहा कि गुरु नूं देण लई साडे कोल कुछ नहीं है। तां मैं कहा कि भैण कुछ ना कुछ जरूर दिओ। ता भैण ने गुस्से विच मिट्टी दी मुठ भर के मेरे हत्थां विच फड़ा दित्ती। ता मैं सोचिया कि ए मिट्टी गुरु दे नाम ते मिली है, इस लई इस नूं सुटना नहीं चाहिदा। ता जद मैं उस मिट्टी नूं घर ले आया ता उस मिट्टी विच एक बेर दी गिटक सी जिस नूं मैं अपने घर दे विड़े विच बीज दिता ते उसे गिटक तों ए बेरी पैदा होई सी। भाई फग्गू दे मूहों ए सब सुन के सारी संगत दियां अखां नम हो गईयां। ता गुरु साहिब जी कहण लगे कि भाई फग्गू तू बड़ी वड्डी भावना वाला है जिसने गुरु दे नाम दी मिट्टी भी झोली विच पवा ली। गुरु प्यारियो इस साखी नूं लाइक करो ते ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। सतनाम श्री वाहिगुरु।